हेलो गाइस, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अकेडमी एसएससी जेई चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। तो गाइस, आज के सेशन के अंदर मैं आपको फिर से कुछ सॉलिड सवाल कराने वाला हूं। ये सवाल आपको यूपीपीसीएल जेई एग्जाम में, एसएससी जेई एग्जाम्स में या कोई भी स्टेट जेई एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करने, आपको बहुत ज्यादा हेल्प देने वाले हैं। तो मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। गाइज, अगर आप गेट, ईएससी, एई, जेई किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो गाइज आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़कर कर सकते हैं। इंडिया की बेस्ट फैकल्टी आपको यहां पर मिलेगी, ठीक है गाइज। और गाइज, आप राहुल 11 कोड के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, 10% डिस्काउंट तो मिलेगा। साथ के साथ गाइज आपको मेरी मेंटरशिप भी मिलेगी, ठीक है। मैं आपको गाइड करूंगा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। फुल कोर्स आपके लिए आ रहा है मशीन का, कल से 5 बजे, ठीक है, 5 तारीख को रात 8 से 10 बजे, ठीक है गाइस। तो राहुल 11 कोड के साथ अगर आप मशीन पढ़ना चाहते हैं और वो भी बेसिक से एडवांस लेवल के लिए, चाहे जेई के लिए हो, चाहे एई के लिए हो, या आपको मशीन से डर लगता है, तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, यू रियली गोइंग टू बी लव दैट कोर्स, ठीक है। तो मैं पार्ट फर्स्ट में ट्रांसफॉर्मर और बेसिक्स कंप्लीट कर चुका हूँ आपके लिए और आप इसमें डीसी मशीन से जुड़ सकते हैं। ये सारे एडवांटेजेस हैं जो आपको ऑलरेडी पता है प्लस के। मैं यहाँ बोर नहीं करूंगा आपको कि लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में पूछ सकते हो, लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो और पीडीएफ लर्निंग मटेरियल बहुत कुछ मिलता है सिंगल सब्सक्रिप्शन में राहुल 11 कोड के साथ, ठीक है गाइस। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, एसएससी में अपना गोल सिलेक्ट कीजिए, कोई से भी मंथ का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। बट अगर आप न्यू लर्नर है तो गो विद द 1 ईयर 2 ईयर प्लान, अप्लाई माई कोड एंड गेट द सक्सेसफुल 10% डिस्काउंट, ठीक है गाइज। अब देखिए गाइज, आप सभी के कहने पर पहले 31 दिसंबर को प्राइज हाइक हो रहा था, ठीक है, अब 11 जनवरी को प्राइज हाइक हो रहा है, ठीक है। इससे अगर आपने मन बना रखा है सब्सक्रिप्शन लेने का तो आप कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इंडिया की बेस्ट टीम आपको लीड करेगी। अपनी टीम के अंदर को हर पर्सन ने कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकाला है, ठीक है। तो आप विदाउट वेस्टिंग टाइम राहुल 11 कोड के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो गाइज, अनअकैडमी एसएससी जेई चैनल को टेलीग्राम पर सब्सक्राइब कर लीजिए, यहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन स्टार्ट। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। चलिए, मेरे साथ कौन कौन है यहां, सरोज है, खुशी है, अनिल है, साची है, रंजीत, प्रिया, अवनीश, पवन, प्रिया, हिमांशु, बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड है। चलिए गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफी मोटिवेटेड रखा अपने एजुकेटर को कि आते ही मेरे पास 22 स्टूडेंट्स कनेक्ट हो चुके हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, उड़ा दो इसे, ठीक है, इस क्वेश्चन को उड़ा दो बेटा हवा में। आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एम का वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू आप सबको फाइंड आउट करना है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बहुत बढ़िया। तो नईम अख्तर ने, करिश्मा ने सबसे पहले आंसर दिया है, क्या बात है गाइस, शाबाश। चलिए चलिए चलिए, आंसर आने लगे, हरिओम, पवन, राजीव, पीसी, सभी ने बहुत सही गाइस। देखो, आप सभी को पता है के बराबर क्या होता है। अब यहां पर ये नहीं कि आपको पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, बस आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में पता होना चाहिए कि यहां सर एम बराबर होता है, ये हो गया कॉफिशियंट कॉपलिंग 0.4, 2.5, और यहां पर ये आपका क्या हो गया, तो ये वैल्यू कितनी हो गई भाई, 100। पॉइंट को हटा दो, -2, 0.6, एंड यही आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर गाइस, शाबाश। तो यहां पर सभी ने सही आंसर दिया है, देखो तो किस किसने आंसर सही दिया है, यहां पर तो सारे बच्चों ने आंसर सही दिया है, रविंद्रा, रश्मि, कुलदीप, बहुत अच्छे गाइज। चलिए, तो ये फॉर्मूला अगर आपको, देखो एक और बात याद रखो, के की वैल्यू एग्जामिनर पूछ लेता है, तो याद रखना सर 0 से बड़ी, 1 से छोटी या 1 के बराबर आती है, 1 के बराबर आएगी टाइटली कपल्ड है, और 0 आएगा देर इज नो कपलिंग, ये बातें ध्यान रखो, बहुत जरूरी है। अब देखो, 1 महीना है और 1 महीना जमकर तैयारी करनी है, ठीक है, तो मेरे जितने भी सेशन होते हैं सबको फॉलो करो। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये लूप दिया गया है आपको, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट गाइस। तो
आप लूप को देखो, सुपर मैच लग रहा है, नोडल लग रहा है, क्या लग रहा है, इसका आंसर बताओ गाइस। हाँ बच्चे, डेली रहेगी क्लास, ठीक है, क्लास डेली रहेगी, ठीक है, संडे नहीं रहेगी बस क्लास, ठीक है। चलिए तो प्रैक्टिस करते रहो, मेरे जितने भी स्पेशल सेशन में आपको दे रहा हूं, स्पेशल सेशन में बिल्कुल अपन तैयारी कर रहे हैं हर लेवल पर। चलो बताओ, इनकरेक्ट बताना माय डियर, इनकरेक्ट बताओ बताओ बताओ। तो यहां सभी का, सरोज का, भवानी शंकर, सबके आंसर आ रहे हैं। माय डियर, लेट्स आई एम गोइंग टू टेल यू, अगर हमारे किसी भी लूप के बीच में कोई भी आ जाए करंट सोर्स, तो बेटा कौन सी कंडीशन बनती है? सर मैश एनालिसिस की। कौन सी कंडीशन बनती है? मैश एनालिसिस की कंडीशन बनती है, पहली बात याद रखो। दूसरी बात याद रखो, तो पहला पॉइंट तो इसमें करेक्ट हो गया। अब जब इसके अंदर आप इक्वेशन लिखने के लिए जाएंगे, तो माइनस का 20, फिर यहां पर आए प्लस का 6i1, जब ये बीच के अंदर करंट आ गया, तो माय डियर अपन जंप कर जाते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। प्लस का 10i2 प्लस का 4i2 बराबर 0, तो 20 बराबर 6i1 प्लस 14i2। अब बताओ क्या ये इक्वेशन गलत है? बिल्कुल भी नहीं, ये स्टेटमेंट सही है। अब यहां पर देखो, ये करंट ऐसे आ रहा है, ये करंट ऐसे आ रहा है, तो मैं i2 प्लस 6 बराबर i1 या i2 माइनस i1 बराबर 6 लिख दूं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, बट ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, गॉट इट? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक बच्चे ने बताया, प्रखर गुप्ता ने बताया है, और पवन शर्मा ने बताया है। माय डियर देखो ना, ये बीच में क्या आ रहा है, 6 एम्पियर, तो यार यहां से आने वाला करंट i1 और ये आने वाला i2, तो यार i2 माइनस i1 बराबर 6 नहीं हो गया? तो यही बात तो लिखी है यहां। और देखो, जब भी कभी बीच में करंट लूप करंट सोर्स आ जाए, तो अपन जंप कर जाते हैं, यही तो मैच में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा, पावर फैक्टर क्या होगा सर्किट का? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द पावर फैक्टर? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द पावर फैक्टर? बहुत आसान क्वेश्चन है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन गाइस। सेशन को लाइक जरूर कर देना प्लीज, लाइक एंड शेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ यार, कि आपको पावर फैक्टर बताना है, आपको रेजिस्टेंस का मान दे दिया, आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान दे दिया, आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान दे दिया, बस पावर फैक्टर फाइंड करना है। तो इंपीडेंस प्रतिबाधा फाइंड करो पहले, बस प्रतिबाधा को फाइंड करो माय डियर, जेड प्रतिबाधा। एक मिनट, प्रतिबाधा जेड कितना आएगा, जल्दी कैलकुलेट करो। क्या बात है करिश्मा, वेरी गुड वेरी गुड, करिश्मा जो है एकदम सही जा रही है, अरुण भी एकदम सही, रविंद्रा वेरी गुड, करिश्मा, हरिकेश, सरोज, प्रिया, सवी, रश्मि कुमारी, बहुत बढ़िया, क्या बात है गाइस। स्क्वायर करो यहां पर, रेजिस्टेंस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, लग गई ट्रिपलेट, खत्म कहानी। 16 प्लस 9 अंडर रूट 25, 5 आ गया जेड, कॉस फाई के बराबर क्या होता माय डियर बताओ जल्दी? सर आर बाय जेड, तो माय डियर ये 4/5 आ गया, 0.8 आ गया। अब यहां पर आप खुद देखो, इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा है, इसका मान ज्यादा है, तो सर्किट का पावर फैक्टर कैसा रहेगा? लैगिंग इन नेचर, तो 0.8 लैगिंग, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्या बात है यार, क्या बात है, शाबाश, कमाल कर दिया यार आज तुम सबने, दिल खुश कर दिया मेरा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। तो ऐसे क्वेश्चंस पे ध्यान रखो, अगर यहां कंडीशन उल्टी होती तो लीडिंग आ जाता, खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बेटा आपको एक सर्किट दिया गया है, ठीक है, जिसके अंदर 60 वोल्ट की कांस्टेंट वोल्टेज लग रही है, आरएल सर्किट है, करंट
करंट का मान बताना है टी इक्वल्स टू जीरो प्लस पर। अच्छा लैगिंग हो रहा है तो बच्चे नेट की प्रॉब्लम हो रही होगी ना आपकी। शाबाश शाबाश, जल्दी आंसर दो है, उड़ा के फेंको क्वेश्चंस को। ठीक है चलिए, ठीक है चलो शाबाश, सांची का आंसर आ गया है यहां पर, प्रखर गुप्ता का आंसर आ चुका है। पवन शर्मा वेरी गुड, राजीव पीसी वेरी गुड। चलो यार अब यहां देखो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। पहली बात इंपॉर्टेंट क्या है, पहली बात इंपॉर्टेंट यह है कि जब भी सर्किट में कहीं ऑप्शन में जीरो दिखे तो पहले पूरे क्वेश्चन को सही से देख लो, क्योंकि तो ज्यादातर अक्सर जहां जीरो रहता है वो ऑप्शन ज्यादातर टाइम राइट रहता है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी रहती है। अब यहां पर है क्या, यहां डीसी सप्लाई है, तो डीसी में हम सबको पता है कि एक इंडक्टर कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। ठीक है, एट स्टेडी स्टेट पर, और इंडक्टर के अक्रॉस एकदम से करंट चेंज नहीं होती, ये भी पता है हमें। तो जब यहां पर करंट जीरो है, सर्किट पहले ओपन था, तो जब सर्किट ओपन सर्किट था तो सर्किट में करंट क्या थी, जीरो। तो टाइम टी इक्वल्स टू जीरो प्लस पे भी क्या होगी सर, जीरो होगी। ठीक है, अगर बेटा इंफिनिटी पे पूछ ले तो क्या होगा ये बताओ। तो ऑप्शन हो गया इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी, बट मुझे तो आप बताओ स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होगा। तो स्टेडी स्टेट में सर 60/10 रख देंगे अपन लोग, 6 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये कंडीशन बन जाएगी आपकी, e^-t/tau। तो यहां पर रखो 6 e^-t/tau, tau फाइंड कर लो। ठीक है, एल बाय आर 5/10 0.3। ठीक है, तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, चलिए चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी ने सही आंसर निकाला है। तो आप देखो ट्रांजिएंट से डरने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अब ये कौन सी कंडीशन है यार, ये चार्जिंग कंडीशन है सर, यानी अब यहां पर इंडक्टर के अक्रॉस हमेशा 6 एम्पियर घूमती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताया मेरे बच्चे, क्या आंसर होगा इसका, व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तीन आइडेंटिकल स्टार रजिस्टर्स कनेक्टेड, स्टार कनेक्टेड रजिस्टर 4000 वॉट ले रहे हैं, तो डेल्टा में कनेक्ट करने पर कितना लेंगे। शाबाश, यहां पे करिश्मा ने आंसर दिया है और हरिओम ने आंसर दिया है, क्या बात है यार, क्या बात है यार। देखो इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल सी ट्रिक से दो, रेजिस्टेंस देखो होटल डेल्टा 3 स्टार, तो अगर यहां बैलेंस्ड कंडीशन है, ठीक है बैलेंस कंडीशन की बात हो रही है, यहां पर यही आर है, यहां पर भी आर है, तो यहां डेल्टा में आर है तो यहां स्टार में 3 आर। ठीक है, स्टार में आर है तो डेल्टा में 3 आर हो जाएगा, तो यार डेल्टा और स्टार, बेटा अगर मैं यहाँ आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो पावर जो होती है डेल्टा की वो 3 टाइम्स हो जाएगी पावर इन स्टार के। तो बेटा स्टार में कितनी पावर लग रही है सर जी, 4000 लग रही है, तो बेटा डेल्टा में कितनी हो गई, 12000 वॉट। इतना सा आसान आंसर है, दैट्स इट। ठीक है, इतना सा आसान आंसर है और कुछ भी नहीं है, बट ये कंडीशन तभी वैलिड होगी जब लोड बैलेंस होगा। ठीक है, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अपोजिट पोलरिटी हैविंग 1 कूलम ईच, और जब 1 मीटर की दूरी पर रखे जाए, तो माई डियर व्हाट शुड बी द आंसर, क्या कितना फोर्स लग रहा होगा, कितना फोर्स लग रहा होगा।
बताओ गाइस व्हाट शुड बी द आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश, आने लगे आंसर सभी के। गाइस देखो यार, फोर्स बराबर, देखो कूलाम्स का नियम आप सभी को पता है, क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, तो ये तो पूरा ही पार्ट वन हो गया, और इसकी वैल्यू हम सबको पता है 9 × 10⁻⁹, 1 × 1/1 का स्क्वायर, तो 9 × 10⁹ न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए गए आगे बढ़ते हैं। बताओ बेटा एट द सेंटर ऑफ द कॉयल कितना होगा, कोई भी सर्कुलर कंडक्टर है, आई एम्पियर है, रेडियस आर है, तो बेटा इस कितना होगा इसका आंसर। देखो बेटा इसके लिए याद रखो ये कंडीशन सर्कुलर कॉयल की आपको पता होगी, क्या आती है बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके लिए अब यहाँ ए रेडियस मान के चलते हैं अपन लोग, तो बेटा यहाँ कंडीशन क्या दी हुई है आपको, रेडियस आर दी हुई है, तो ये बराबर ये हो गया, हाइट तो कुछ होती नहीं कॉयल की, जीरो हो गया, तो यहाँ पर आई आर स्क्वायर टू आई आर स्क्वायर 3/2, तो बेटा आई बराबर क्या हो गया 2 × r³, इससे ये कैंसिल आउट, तो आई बराबर 2 r, ठीक है ऑप्शन नंबर सी। तो बेटा ये वाला पॉइंट कौन सा हुआ, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी एच, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट भी यही होती है एच, तो एच की यूनिट एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है, एम्पियर टर्न पर मीटर, याद रखो, या टर्न को एक ले लो या डायमेंशन लेस ले लो, तो एम्पियर पर मीटर दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बता बेटा परफेक्ट रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट शुड बी द मीनिंग ऑफ द परफेक्ट रिप्रोड्यूसिबिलिटी। परफेक्ट रिप्रोड्यूसिबिलिटी का क्या मतलब होता है, अगर कोई भी मीटर बार बार वही इनपुट पर आपको सेम आउटपुट वैल्यू दे रहा है, सेम इनपुट पर सेम आउटपुट वैल्यू, यानी सिस्टम में क्या नहीं हो रहा, जल्दी बताओ। नो ड्रिफ्ट मेरे भाई, नो ड्रिफ्ट, जाहिर सी बात है ना, आप जिस इनपुट के लिए वैल्यू दे रहे हो, मतलब मेजर्ड वैल्यू जो आ रही है, आपने इनपुट दिया, आपको कोई वैल्यू मिली, आपने कोई मेजर्ड वैल्यू नापी, तो दैट वैल्यू नॉट वेरी विद टाइम, ठीक है ध्यान रखो इन सारी चीजों। चलो यार लेंगे, आपका भी नाम लेंगे, डोंट वरी, सबके नाम लेंगे यार। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेजरमेंट से, अक्सर आपको किसी ना किसी एग्जाम में मिलेगा ये क्वेश्चन, आपको हर बार देखने को कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। चलो भाई साहिल कुमार का नाम ले लेते हैं, देखो एक महीना आया आपके पास, 1 month, मेरी स्पेशल क्लासेस भी चल रही हैं, सारी क्लासेस फॉलो करते रहो, इन क्लासेस को फॉलो करते रहो, और ये अकेला चैनल इलेक्ट्रिकल में मुझे लगता है अब तक का बेस्ट चैनल है, ठीक है फॉर JEE एग्जाम्स के लिए, क्योंकि लॉट्स ऑफ फैकल्टीज यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सारे टीचर्स आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं। चलो शाबाश, देखो यार
इसकी बात करें तो ये सर डीसी नापता है, इन दोनों की बात करें तो सर ये एसी भी नापते हैं, ये डीसी भी नापते हैं, ठीक है, बट ये दोनों के दोनों आरएमएस वैल्यू नापते हैं, है ना। तो इन बातों का ध्यान रखो, तो ये तो 5 एम्पियर रीड करेगा, तो 5 एम्पियर ये आ गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, बाकी बचा दोनों के लिए, एसी डीसी के लिए, जब दोनों कंपोनेंट होते हैं तो माय डियर 5 का स्क्वायर हमारे पास होता है, ठीक है, और उसके बाद 14.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू आपको देगा अंडर रूट 125। तो 125 आपको हॉट वायर मीटर का भी मिलेगा, आपको एमआई का भी यही वैल्यू मिलेगा, दोनों का सेम मिलेगा, अंडर रूट 125। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा। पावर डिलीवर्ड टू ए लोड कितना होगा सेल्फ एक्साइटेड डीसी शंट जनरेटर के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन देखकर ही आप आंसर दे सकते हो। और देखो अक्सर यहां गलती हो जाती है जल्दी जल्दी में, जैसे कुछ बच्चे इसका आंसर डी दे गए, एक बच्चे ने दिया है, तो यार देखो ध्यान से देखो अक्सर गलती कहां होती है। भाई ये आपका लोड लगा है, ये जा रहा आईएल, ये जा रहा आईएसएच, ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आईएल बराबर, देखो आईए बराबर क्या हो गया, आईएसएच प्लस लाइन करंट, क्योंकि तो वही तो पावर डिलीवर हो रही है लोड में, वीएल आईएल। तो यार आईएल फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आईए माइनस आईएसएच, तो यहां वीएल रखो, आईए माइनस आईएसएच शंट करंट हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बताओ ट्रांसफार्मर के अंदर डायमेंशनल चेंज कौन से कारण से होता है, वो कौन सी प्रक्रिया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, शाबाश यार, सभी ने सही आंसर दिया, राजीव, राखी, करिश्मा, भवानी, शंकर, हिमांशु, हरिंदर, प्रिया, अरुण, क्या बात है। देखो यार बेटा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, तो होता क्या है, आप सभी ने हमिंग साउंड के बारे में पढ़ा जरूर होगा, है ना, हमिंग साउंड आती है ट्रांसफॉर्मर से, उसके पीछे का कारण क्या होता है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। तो माय डियर मैं एक बात बता देता हूँ, जब ये डायपोल मूवमेंट, ये डायपोल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये जो डायमेंशन होती है मटेरियल की, ये क्या होती है, चेंज होती है, यानी ये जब एक्सपेंड होती है तो लेंथ बढ़ जाती है, जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो कम हो जाती है, तो डायमेंशनल चेंज इज द सेकेंड इफेक्ट ऑफ मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। तो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन से आपको हमिंग साउंड भी मिलती है, साथ के साथ चेंज इन डायमेंशन भी मिलता है, तो इसी के लिए अपन ट्रांसफार्मर के अंदर क्या करते हैं, प्रॉपर स्ट्रैगलिंग करते हैं, प्रॉपर स्ट्रैगलिंग की जाती है, क्योंकि मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के इफेक्ट को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, कभी खत्म नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ कम किया जा सकता है। ध्यान रखो ये सब बातों का, चलो, और स्ट्रैगलिंग के
स्ट्रैगरिंग करके, मतलब अच्छे से रिवेट करके कोर को, ठीक है ना, तो हम इस इफेक्ट को क्या करते हैं, कम करते हैं। अपोजिट जो होता है बेटा इसका विल्लरी इफेक्ट होता है, बिल्कुल सही। उसमें क्या होता है, आप प्रेशर डालोगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, तो काफी सारे बच्चे मैदान छोड़ के चले गए, होता है ऐसा अक्सर, क्योंकि उन्हें लगता है राहुल सर ये जो एक्स्ट्रा ज्ञान देते हैं ये सिर्फ ऐसे ही है। समझ सकता हूं मैं, चलो बहुत बढ़िया। देखो यार, डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के आउटर रेजिस्टेंस को हाई रखा जाता है क्योंकि स्टार्टिंग में टॉर्क अपने को हाई चाहिए और स्टार्टिंग टॉर्क रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। टेल मी गाइस व्हाट शुड बी द आंसर। हाँ वो बफर हो रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वी आर बैक, ठीक है ना, वी आर बैक। चलो गाइस इसका आंसर सुनो भाई, ऑक्सिलरी का करंट तो रहता है लगभग इन फेस, और मेंस वाइंडिंग का करंट रहता है लगभग आपका कितना, 90 डिग्री। तो यहां पर जो रिजल्टेंट करंट मिलता है आपको, यानी इन दोनों के बीच का, क्योंकि देखो एग्जैक्ट 90 तो नहीं रहता, 90 से थोड़ा कम ही रहता है और ये भी कम ही रहता है, ठीक है, इनफेस तो नहीं रहता, तो यहां पर ये लगभग एंगल आपको मिलता है 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, बताओ बेटा, टू रिड्यूस द पेरिफेरल स्पीड ऑफ एन अल्टरनेटर द डायमीटर ऑफ द रोटर इज, डायमीटर ऑफ द रोटर इज, डायमीटर ऑफ द रोटर इज कितना होगा, जल्दी बताओ, मतलब क्या होगा पेरिफेरल स्पीड को कम करने के लिए डायमीटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो यार, पेरिफेरल स्पीड जो होती है ना आपकी, याद रखो माय डियर, वो होती है पाई डी आरपीएम। तो पेरिफेरल स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। तो अगर डायमीटर को अगर आप क्या करोगे, स्पीड को कम करोगे, तो बेटा डायमीटर भी तो कम होगा मेरे बच्चे, समझो ना बात को। ऑप्शन नंबर बी, क्या बात है क्या बात है, बताओ बेटा, योर कंट्रोल इन विंड एनर्जी, इन विंड एनर्जी पावर प्लांट कितना होगा, बताओ बेटा, योर कंट्रोल इन ए विंड एनर्जी पावर प्लांट, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूं, देखो एक दो क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे ही रखता है कि जहां पर स्टूडेंट गलती करे, ठीक है, या फिर जान पूछ के इसे अटेम्प्ट करे, तो याद रखो इसका इस्तेमाल होता है। देखो ऑप्शन नंबर डी, रोटेट द टर्बाइन अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, नेक्स्ट, चलिए बताइए, सैग दे रखा है आपको 50 मीटर स्पैन पर 1 मीटर का, तो बेटा सैग इफ द हाइट अगर अपन इंक्रीज करें 20% ट्रांसमिशन लाइन की, तो बेटा सैग पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
क्या बात है, चंदन ने सबसे पहले आंसर दिया, देन करिश्मा, वेरी गुड, राखी, वेरी गुड, चलिए गए। देखो यार फॉर्मूला देख लेते हैं ना, 80। तो जब माय डियर ये फॉर्मूला सैग का है, इसमें हाइट का तो कोई फैक्टर आ ही नहीं रहा, तो सैग कभी भी हाइट पर डिपेंड नहीं करता। अगर आप हाइट को कम कर लो, ट्रांसमिशन लाइन के हाइट को बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 1 मीटर का 1 मीटर ही रहेगा। इट विल बी डिपेंड अपॉन द वेट ऑफ द कंडक्टर, इट विल बी डिपेंड अपॉन द लेंथ बिटवीन द टावर्स, इट विल डिपेंड अपॉन द, ठीक है, टेंशन, ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को याद रखो। तो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बताओ यार, 3 फेज 3 वायर सिस्टम के लिए हाउ मच कॉपर इज रिक्वायर्ड विद DC 2 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। थ्री फेज थ्री वायर AC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिक्वायर हाउ मच ऑफ कॉपर एज कंपेयर विद DC 2 वायर डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर बी काफी सही आंसर दिया है। ठीक है, याद रखो 3 फेज 3 वायर के लिए अपन को इतना चाहिए एज कंपेरिजन टू 2 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, ठीक है, याद रखो। देखो इसमें एक बात और याद रखना, ये कभी कभी पूछ लेता है, ये 2 फेज 4 वायर सिस्टम में भी होता है, सेम यही आता है। नेक्स्ट, कौन से वाले फॉल्ट हैं जो ऑकर होते हैं, फ्रिक्वेंटली ऑकर इन दी पावर सिस्टम। विच फॉल्ट इज मोर फ्रिक्वेंटली ऑकर इन दी पावर सिस्टम। बताओ बेटा, ये तो तुम्हें रट जाना चाहिए, यहां तक मुझे लगता है ये तुम्हें क्वेश्चन रट जाना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, किसी ने भी गलत आंसर नहीं दिया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो LG फॉल्ट जो होते हैं, ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम फॉल्ट होते हैं ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, यानी लगभग 80 से 85% यही फॉल्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर याद रखो, ये वाला फॉल्ट, ये वाला फॉल्ट, ये वाला फॉल्ट, ये सारे के सारे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। ये वाला फॉल्ट जो होता है, ये सिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं, ठीक है, और ये दोनों के दोनों अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल बेटा कौन सी श्रेणी में आते हैं, शंट फॉल्ट की। और शंट फॉल्ट के अंदर क्या होता है बेटा, करंट की वैल्यू बढ़ती है, पावर फैक्टर और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती है, याद रखना। फिर इन्हीं के एक दूसरे भैया और होते हैं सीरीज फॉल्ट, जिनके अंदर कंडक्टर ओपन हो जाते हैं। याद रखो ये सब बातें, जितनी बता रहा हूं सब पे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट, माइका, माइका, माइका क्या है भाई, माइका इज ए, देख रहा हूं यार मैं सबके रेस्पॉन्सेस को चेक कर रहा हूं, लगभग मैं देख रहा हूं आप सबकी जो
प्रैक्टिस है बहुत अच्छी जा रही है और काफी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। क्या बात है यार, किसी ने गलत नहीं दिया, शाबाश। देखो यार, आज सुबह, आज मॉर्निंग में मेरी 9 बजे क्लास थी, स्पेशल क्लास 9 से 10। ये क्वेश्चन वहां भी आया था जहां मैंने बताया था माइका जो है इंसुलेटिंग मटेरियल है और इसकी क्या खासियत होती है, इसकी परमिटिविटी 6 गुना होती है एयर की परमिटिविटी से। ये बात याद रखो बेटा, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये इंसुलेटिंग मटेरियल भी है, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी है, याद रखो इन सारी बातों को, ठीक है। और याद रखो एक लाइन याद रखना हमेशा, हर इंसुलेटिंग मटेरियल, हर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसुलेटर होता है, लेकिन हर इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो ये पॉसिबल नहीं। यस यस यस, हाँ सरोज थी, करिश्मा भी थी, हाँ वेरी गुड। चलो यार तुम्हें याद है, मुझे लगा कि मैं खाली फोकट बोल जाता हूँ मुझे लगा खाली फोकट बोल देता हूँ, कोई सुनता है नहीं सुनता पता नहीं चलो बता यार, पैरा मैग्नेटिस्म, क्या बात है यार। नहीं, YouTube पे नहीं होती डियर, स्पेशल क्लास थी, फ्री होती है सभी के लिए, उन स्पेशल क्लासेस में आप आ सकते हैं राहुल 11 कोड के साथ, इट्स फ्री 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 फॉर ऑल। चलो देखो यार, कॉपर पे गए, गुरुजी कॉपर बहुत बार बता चुके हो, डायमैग्नेटिक मटेरियल। आयरन पर गए, सर जी बहुत बार बता चुके हो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। सिल्वर पर गए तो ये भी डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है। टाइटेनियम पर आए तो ये पैरामैग्नेटिक होता बेटा, स्पेशल क्लास होती है ऐप पर, ऐप पर। मैं जानता हूं बहुत से बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा, आई कैन नो दैट। एक बार एक बच्चे से मैंने पूछा, ऐप डाउनलोड कर रखा है, बच्चा कहता है सर प्लस का ऐप मैं बार बार यूट्यूब पर करता हूं, मिलता ही नहीं प्ले स्टोर पर। समझ सकता हूँ बेटा, आप पूछ लिया करो, मैं बता दूंगा आपको, ऐप पर फ्री होती हैं क्लासेस आपके लिए, तो जहां पर जितनी भी क्लासेस कर सकते हो उतनी करो बेटा। के मैप बताओ इसके लिए, अरे यार उस वीडियो को पूरी टीम के साथ बनाएंगे अपन लोग। कल का जो वीडियो था, कुछ रीजन की वजह से मैं और केमेंदर सर कर रहे थे, क्योंकि हर टाइम अवेलेबल नहीं रह पाते, हर एक को काम रहता, तो उसे हम पूरी टीम के साथ करेंगे, ठीक है ना। चलो बता यार क्या होगा। देखो यार जाहिर सी बात है, यहां पर देखो 4 का ग्रुप ये बना लो, फिर एक ग्रुप ये बना लो, है ना, क्लियर गाइस। तो इसके अंदर आप देख लो भाई, इसमें क्या आ रहा है कॉमन, भाई ये और ये 1 आ रहा है तो B2 1 आ गया, ठीक है। इस वाले में देख लो B1 को 1 करना है क्योंकि ये 0 0 आ रहा है, तो B1 का डैश कर दो, ठीक है। तो ये वाला ये ऑप्शन है सबसे पहले, बस यही ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, फुल एडर इज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग, बेटा किससे बना सकते हैं अपन फुल एडर को, हम किसकी मदद से बना सकते हैं।
बिल्कुल सही, देखो दो हाफ एडर और इस पे समय खराब नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे हैज बताओ बेटा, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे हैज क्या होगा? प्रोग्रामेबल एंड गेट फॉलोड बाय प्रोग्राम और गेट। बेटा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को भी पढ़ लेना, दोज स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीपीसीएल, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को जरूर पढ़ें। बेटा रिवर्स बायस पीएन जंक्शन एज ए रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ, बताइए तो आसान क्वेश्चन है। क्या बात है यार, क्या बात है यार। देखो एक बात बताओ, जब रिवर्स बायसिंग होती है तो लीकेज करंट फ्लो होती है, और ये लीकेज करंट बेटा किसमें होती है? सर माइक्रो एम्पियर में होती है, होती है कि नहीं होती? लीकेज करंट माइक्रो एम्पियर में होती है। तो बेटा अगर मैं यहां पर रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करने में जाऊं तो माइक्रो किसमें आ जाएगा? मेगा ओम। ऑप्शन नंबर सी। अगर इसे वी बाय आई करोगे इट्स मेगा ओम। क्रिस्टल ऑसिलेटर इज ए कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ड्यू टू, क्रिस्टल ऑसिलेटर को कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कहते हैं, ऐसा क्यों? क्यों 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 क्रिस्टल ऑसिलेटर, बिल्कुल सही जवाब। अरे यार देखो, ऑसिलेटर का काम क्या है? सर ऑसिलेटर का काम होता है डीसी पावर सिग्नल को एसी पावर सिग्नल में कन्वर्ट करना, पहली बात। दूसरा काम, ये सारे के सारे पॉजिटिव फीडबैक वाले होते हैं। पॉजिटिव फीडबैक होने की वजह से अनस्टेबल होते हैं नेचर में। लास्ट बात, अब जब क्रिस्टल की बात आती है तो बेटा इसके अंदर अपन यूज करते हैं किसका? सबसे ज्यादा स्टेबल और सबसे ज्यादा एक्यूरेट यही होते हैं, क्योंकि क्वालिटी फैक्टर हाई होता है। इसके अंदर आप यूज करते हैं रॉकले सॉल्ट या क्वार्ट्ज का, क्वार्ट्ज क्रिस्टल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बताओ बेटा, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन तीनों प्रक्रिया से किसमें हीट ट्रांसफर होती है? राहुल सर क्रिएट्रिक्स चैनल पर यूटिलाइजेशन के कंप्लीट लेक्चर दे चुके हैं, ठीक है पढ़ लो बेटा उन्हें। और इवन दैट मेजरमेंट भी मैंने तुम्हें जेई लेवल पर पढ़ाया है, तो मेजरमेंट भी पढ़ लो। क्या बात है यार, क्या बात है। मैं देखता हूँ यार, रिप्लाई काफी कम बच्चों के आते हैं, देखने वाले हमारे बहुत सारे बच्चे होते हैं, रिप्लाई नहीं आते स्टूडेंट्स के। कोई बात नहीं। देखो बेटा, बॉयलर एक ऐसी प्रक्रिया है, बॉयलर की फर्नेस यानी बॉयलर के अंदर हीट जो होती है कंडक्शन से भी ट्रांसफर होती है, कन्वेक्शन से भी ट्रांसफर होती है, रेडिएशन से भी होती है। ऑप्शन नंबर सी। अब जैसे रेडिएशन का एग्जाम्पल एक और सबसे अच्छा ऐसा देख लो भाई, आपका सूरज है सन, और बेटा धरती, तो सन से धरती पर जो हीट आती है वो बेटा रेडिएशन से आती है, ठीक है। नेक्स्ट
बता बेटा, यूटिलाइजेशन फैक्टर निकालना है पूरे कमरे का। समय ले लो इस पे, बट आंसर बताओ आराम से। बेटा ये इंटरनेट प्रॉब्लम होती है, कुछ ही इंटरनेट की वजह से होता है ये, कभी कभी ग्लिच आ जाता है इंटरनेट में। चलो देखो यार, बेटा यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है? द ल्यूमन एमिट बाय लैंप और बेटा ल्यूमन रिसीव्ड बाय वर्किंग प्लेस। वर्किंग प्लेस तो बेटा एक काम करो, यहां पर 24 लैंप है और जिसमें से एक लैंप 1600 ल्यूमन देता है, तो एक तो हो गया 24 × 1600, तो इतना तो ल्यूमन एमिट हो रहा है। रिसीव करने वाला कौन सा डायमेंशन है? 12 × 16 × 100। डिवाइडेड बाय 1600 × कितना आएगा यार ये 24। तो देखो यहां से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 1/2, 1/2 0.5 आ गया। नेक्स्ट व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ए बैटरी विच कैन डिलीवर 20 एम्पियर कंटिन्यूअसली फॉर 2 आवर्स 45 मिनट्स। तो आपको कितने एम्पियर दे दी, कितनी एनर्जी डिलीवर कर देगी, सिंपल सी बात है। आओ देखते हैं बच्चे, सबसे पहले क्या करो इसे घंटे में कन्वर्ट कर लो। 45 मिनट डिवाइडेड बाय 60, 3/4 तो 0.7 हो गया, 2.75। ठीक है, 15 से काट दो तो मल्टीप्लाई बाय 20 तो बेटा 5.5 एम्पियर आवर। सॉरी एक मिनट, इज दैट आई मेड मिस्टेक, नहीं हाँ सही है, 55 आ जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ यार ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव बताओ। ऑब्जेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्वेशन ऑडिट इज टू, क्यों करा जाता है ऑडिट, क्यों किया जाता है? चलो बेटा बेटा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है सारे फाइंड लॉसेस, ऑप्टिमम यूज कर सकें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, अल्टरनेट वेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड कर सकें, ऑप्शन नंबर टू। इन जीटीओ गेट सर्किट लॉसेस आर,
इन जीटीओ गेट सर्किट लॉसेस आर, ऑलवेज मोर। बताओ बेटा, एक आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 100 वोल्टेज अप्लाइड सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड ब्रिज सर्किट, तो बेटा ये बता दो कि हर एचसीआर पर कितना पीक इनवर्स वोल्टेज लगेगा, यानी पीक इनवर्स वोल्टेज मतलब उल्टा प्रेशर जब तक डायोड या एचसीआर खराब ना हो, कितना लगता है? ध्यान से इसका आंसर कोई भी दे सकता है बड़ी आसानी से। यार देखो ये फुल ब्रिज है ना मेरे बच्चे, फुल ब्रिज, तो सर इसका तो आंसर डी। तो जितना वोल्टेज उतना ही पीआईवी। एक सेंटर टैप आपका होता है जिसमें आप पढ़ते हो, उसमें क्या होता है आपका 2 VM लगता है, ठीक है, कीप इन योर माइंड। बताओ बेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचेस आर बीइंग यूज्ड इन लाइटनिंग सर्किट तो स्टेयर केसेस के लिए, बताओ स्टेयर केस के लिए हम कौन सा स्विच यूज करते हैं, बताओ। ये तो सभी को पता होना चाहिए, डिप्लोमा में आप एक्सपेरिमेंट भी करते हो, आप अपने बीटीई में एक्सपेरिमेंट भी करते हैं इसमें। टू वे स्विच, टू वे वायरिंग, ठीक है, टू वे स्विच। बेटा ये कौन से, अगर मैं इसमें गेट पूछ लूं तो ये कौन से गेट की इक्विवेलेंट होती है ये बताओ सारे के सारे, बताओ बेटा ये किसका सिंबल है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सिंबल इंडिकेट्स इलेक्ट्रिकल वायरिंग ड्राइंग, ठीक है, आउटलेट सॉकेट, ठीक है। तो गाइस देखिए, आप सभी के लिए प्लस पर हम सब 4 फैकल्टीज 3000 क्वेश्चन सीरीज ला रहे हैं, यूपीपीसीएल से लेकर एसएससी जेई तक एक सीरीज चलेगी आपकी, ठीक है। तो आप इसके अंदर एनरोल्ड हो सकते हैं, 5 जनवरी से ये कल से स्टार्ट हो रही है, ठीक। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, वो भी नए तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। अगर आप वाकई आप कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको लगता है टीम इफेक्टिव है क्योंकि वी आर टीम कंप्लीट, तो आप 11 जनवरी से पहले पहले सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, बिकॉज प्राइस हाइक हो रहा है 11 जनवरी को, ये फाइनल होगा। तो राहुल 11 कोड का यूज करके आप मुझे अपना मेंटर बना सकते हैं, मेरे को फॉलो कर सकते हैं आप, राहुल शर्मा मेरा पूरा नाम है, आन अकेडमी के ऊपर 6000 प्लस एमसीक्यूज क्लास क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मॉर्निंग में 9 AM पर मेरी क्लास होती है स्पेशल क्लास, इस स्पेशल क्लास में आप आ सकते हैं, ठीक है गाइस। प्लस पर आप पावर सिस्टम यूएटी एस्टिमेशन मशीन्स पढ़ सकते हैं डेप्थ में, ठीक है। मेरे सारे कंटेंट को अपने दोस्तों से पूछो, ठीक है, फीडबैक ले सकते हो आप कि व्हाट लेवल ऑफ कंटेंट दैट आई हैव बीन डिलीवर। मुझसे जुड़कर पढ़ना चाहते हो तो ये रहे राहुल सर, ये रहा उनका पूरा बैच, इस पूरे बैच में आप एनरोल्ड हो सकते हैं राहुल 11 कोड के साथ।
अब मैं तुम्हें बोर नहीं करूंगा बिल्कुल भी, ठीक है? ध्यान रखिए किसी को कोई प्रॉब्लम हो कुछ हो। प्लस पर टाइमिंग का सेशन कुछ ऐसे है, 9 से 10 ऋतुराज सर, 10 से 11 मेरा सेशन, फिर 11:30 ब्रेक रहेगा आपका शायद, फिर खेमिंदर सर, तो मॉर्निंग में सारे एजुकेटर्स आपको पढ़ा देंगे, ठीक है? तो लगभग 4 आवर की क्लास होंगी, और 4 आवर में लगभग ऐसा समझो डेली आप 100+ क्वेश्चंस को डेली करोगे। तो मतलब मेरे कहने का ये है, बहुत से स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने सिलेबस पढ़ रखा होगा, अब वो सिर्फ अच्छे क्वेश्चंस करना चाहते हैं। तो यार ये सोचो, जब तुम 1 महीने में 3,000 क्वेश्चंस करके जाओगे किसी भी एग्जाम के लिए, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई होगा, ठीक है? इन क्वेश्चंस को आप बार बार देख सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो, ठीक है? और एक ही क्वेश्चन ऐसा तो रहेगा नहीं कि एजुकेटर सिर्फ वही क्वेश्चन का आंसर बताएगा, उसके साथ रिलेटेड भी बताएगा। जैसे मैं बताता हूं, मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि 4 फैकल्टीज अपने अपने डोमेन के क्वेश्चंस कराएंगी। तो अब आप देख लो, आपको एनरोल्ड होना है तो एनरोल्ड हो सकते हैं, कोड आपको पता है, मुझे आप अपना मेंटर बना सकते हैं, गाइड बना सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ऐप पर मुझे मैसेज कर दिया करो, मेरे नंबर पर मुझे बता दिया करो, ठीक है?